लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से दो दिवसीय कोटा दौरे पर हैं। ऐसे में बिरला ने आज अपने कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की। इस दौरान कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर बिरला के पास पहुंचे। बिरला ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। इसके साथ ही जो गंभीर समस्याएं थीं वहां पर अधिकारियों से बातचीत भी की। मीडिया से बातचीत करने पर बिरला ने कहा कि कोटा रेल मंडल के कोटा और डकनिया रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण का कार्य हो रहा है, इससे यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल से जोड़ा जाए, इसके लिए कल खेल महोत्सव की शुरुआत की जाएगी ताकि जो खेल प्रतिभा छुपी हुई है वो बाहर निकल सके। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को एक पर्याप्त प्लेटफॉर्म मिले, पर्याप्त अवसर मिले ताकि हर पंचायत से जो खिलाड़ी हैं और क्रिकेट के हों, कबड्डी के हों, रस्सा कसी के हों या अन्य किसी खेल के हों, उनको पर्याप्त अवसर हर गांव से मिलेगा तो उनकी प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके माध्यम से पहले पंचायत में, पंचायत के बाद विधानसभा में, विधानसभा में लोकसभा में और फिर उसमें से जो नौजवान निकलेगा उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग कराकर एक अच्छे खिलाड़ी बनाएगा। जब गांव के अंदर खेल की भावना होगी, गांव के अंदर खिलाड़ी खेल मैदान आएगा तो वो चरित्रवान होता है, देशभक्त होता है, अनुशासन होता है। वंदे मातरम ट्रेन की सौगात भी शिविर कोटा को मिलेगी और कोटा के अंदर जो नए दोनों रेलवे स्टेशन है, चाहे वो डकनिया रेलवे स्टेशन हो चाहे कोटा रेलवे स्टेशन हो, दोनों रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार का काम चल रहा है, नवनिर्माण का काम चल रहा है और मुझे आशा है कि आने वाले समय में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन होगा जहाँ यात्रियों को पर्याप्त सुविधा मिलेगी और कई बार यात्रियों को इंतजार करना पड़ता है, उसने एयरपोर्ट पर तमाम सुविधा मिली। अपडेट रहने के लिए